Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Shiny Days. I'm Sehaj and today I'm gonna be sharing with you guys some tips and tricks about contour. मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि आप कॉन्टोर कैसे करते हो एंड कैसे हमें कॉन्टोर करना चाहिए घर पे बैठ के, क्योंकि काफी लोगों को कॉन्टोर करने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है एंड बहुत ही ज्यादा डार्क लगता है जब वो कॉन्टोर करते हैं एंड थोड़ा सा मडी लगता है फेस एंड कॉन्टोर का कलर नहीं चूज कर पाते. सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी फेस शेप, हाउ टू कॉन्टोर एंड कैसे अपना कॉन्टोर का कलर चूज करना है. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग देन लेट्स जस्ट क्विकली जंप इन टू द वीडियो. ओके, सो अभी बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है मेरे साथ. मैंने पूरी वीडियो शूट कर दिया एंड आपको इतना कुछ सिखाया था, बट लास्ट में मुझे पता चला मेरा माइक ऑफ है एंड कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है एंड मैंने कॉन्टोर भी कर लिया है. आई एम वेरी सॉरी, बट हम फिर से बनाएंगे उसी वीडियो को एंड मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं दोबारा से बना रही हूँ आप लोगों के लिए. बट कुछ क्लिप्स मैं अपनी पहले वाली डाल दूंगी जिसमें मैं बात नहीं कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं वॉट इज कॉन्टोर. कॉन्टोर इज एक्चुअली अ स्ट्रक्चर, अ शेप. आप किसी भी चीज़ को देखेंगे, अगर वो प्लेन है तो आप उसको स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे. अगर आप किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आपको उसको लाइन्स देनी पड़ती हैं, शेडो देनी पड़ती है, शेप देनी पड़ती है, तभी वो स्ट्रक्चर बनता है. एंड उस चीज़ को स्ट्रक्चर देने के लिए डालते हैं उसमें कॉन्टोर, विच इज अ शेप. हम शेप डालते हैं उसमें, शेडोज डालते हैं, स्ट्रक्चर उसको मिलता है, तो वो एक कॉन्टोर का नाम उसे दिया जाता है कि हम इस पे कॉन्टोर करें. तो बात करते हैं फेस कॉन्टोर की. वी एक्चुअली हैव नेचुरल कॉन्टोर शेड्स. हमारे आपको दिख रहा होगा फेस में, आपको आपके चीक बोन्स पे, जॉ लाइन पे थोड़ा सा कॉन्टोर इफेक्ट मिलता है, या फिर जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बेंड है आपके लिपिड्स वो पे देख सकते हैं, या फिर अंडर योर माउथ थोड़ा सा शेडो जहाँ भी दिख रहा है, दैट मीन्स दैट्स कॉन्टोर. एंड द पर्पस ऑफ डूइंग कॉन्टोर इन योर मेकअप इज बिकॉज व्हेन वी अप्लाई बेस और फाउंडेशन टू आवर फेस, हमारा फेस जो एक प्लेन कैनवस बन जाता है, तो हमारी सारी शेडोज जो है नेचुरल शेडोज वो छुप जाती है उससे. सो देन वी डू कॉन्टोर, वी मेक आवर शेडोज अगेन, ताकि हमारे फेस को फिर से स्ट्रक्चर मिल जाए एंड प्लेन कैनवस ना लगे कि हाँ व्हाइट सा कुछ लगा के हम घूम रहे हैं. वी एक्चुअली नीड स्ट्रक्चर टू आवर फेस. सो फेस की बात आई है तो बात करते हैं अपने फेस के स्ट्रक्चर्स की एंड फेस शेप्स की. ओके, सो वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फेस शेप्स. आपने देखा होगा सम पीपल हैव हार्ट फेस शेप, सम पीपल हैव स्क्वायर, सम पीपल हैव ओवल फेस शेप, सम हैव राउंड, सम हैव डायमंड. डायमंड फेस शेप को थोड़ा सा कॉन्टोर कम करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी उनके फेस में इतना स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा शार्प फेस होता है एंड हाथ में भी थोड़ा सा कम होता है. बट कॉन्टोर करने से डेफिनेटली आपके फेस को स्ट्रक्चर मिलेगा. अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तब भी आपको कॉन्टोर जरूर करना चाहिए. ओके, सो कॉन्टोर में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आते हैं. आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी कि आपको शेड कैसे चूज करना है अपने फेस को. अगर आपने शेडो देना है तो उसके लिए आपको शेड चाहिए. सो आपको कौन सा शेड चूज करना चाहिए, लेट मी टेल यू कि आपको लेना चाहिए अपनी स्किन से 2 से 3 शेड्स डार्कर. अगर आप बहुत ज्यादा डार्क ले रहे हैं तो आपका फेस बहुत मडी लगेगा एंड काफी ज्यादा लाइक ब्राउन और डार्क लगेगा. अगर आप 2 या 3 शेड्स डार्क लेते हैं तो वो आपका एक्चुअल शेडो लगता है. एंड कॉन्टोर शेड हमेशा आपकी स्किन से डार्क होता है. अगर आप लाइट शेड यूज कर रहे हैं तो वो कॉन्टोर नहीं है, आई एम सो सॉरी. आपको ऑलमोस्ट ब्राउन टोन्स में ही जाना होता है. अब टोन्स की बात करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन टोन. सो वी इंडियन स्किन टोन्स मोस्ट हैव द वॉर्म अंडरटोन एंड नॉट द कूल अंडरटोन. बट कॉन्टोर जो है वो ज्यादातर कूल अंडरटोन में किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा मडी ना लगे, एक्चुअल शेडो जैसा लगे. अगर हम वार्म टोन में जाते हैं वो थोड़ा सा ब्रॉन्जी इफेक्ट देता है, बट आप कर सकते हैं वो भी इफ यू लाइक. बट कूल टोन के कॉन्टोर ज्यादा बेटर लगते हैं, वट एवर स्किन टोन यू हैव. एंड ऑल्सो देर आर 2 types ऑफ कॉन्टोर्स, 1 इज क्रीम कॉन्टोर एंड अनदर 1 इज पाउडर कॉन्टोर. पाउडर कॉन्टोर करना थोड़ा सा ईजी होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग क्रीम कॉन्टोर्स, क्योंकि क्रीम कॉन्टोर्स में आपको ब्लेंडिंग में डिफिकल्टी आ सकती है एंड पाउडर कॉन्टोर के साथ काम करना काफी ईजी होता है. सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई ऑलवेज डू पाउडर कॉन्टोर्स, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टे भी करता है एंड ईजी रहता है करने में भी. एंड अब मार्केट में इतने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाले एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट से. बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कौन सी जगह पे कॉन्टोर करना है. लेट मी टेल यू, टेक अ ब्रश, एनी ब्रश एंड जस्ट गो ऑन योर चीक्स. यहाँ पे आपको एक डेप्थ मिलेगा, आपको ऐसे राउंड करके देखना है ब्रश को. आपको जहाँ पे भी डेप्थ फील होगा, यहाँ पे आपके चीक बोन्स हैं, वहाँ पे आपको कॉन्टोर लगाना है. आप अगर हाथ भी लगा के देखेंगे ऐसे करके तो आपको यहाँ पे एक डेप्थ फील होगा, अलग से एक बोन फील होगी. अभी मैंने कॉन्टोर कर लिया, बट आई नेचुरली हैव दिस शेडो, सबके होती है. देन आई हैव लार्ज फोरहेड. इफ यू गाइज हैव स्मॉल फोरहेड यू कैन स्किप द कॉन्टोर, बट आई हैव लार्ज सो मैं इस जगह पे कॉन्टोर को करती हूँ. बट इफ यू हैव स्मॉलर फोरहेड देन स्किप द कॉन्टोर, वरना आपका फोरहेड और ज्यादा छोटा लगेगा. एंड इफ यू हैव लार्ज फोरहेड फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम साइड, आपका स्मॉलर फोरहेड है,
तो मेक श्योर टू डू कॉन्ट्रोल ऑन दिस एरिया एंड नॉट दीज एरियाज. अगर आपका डायमंड फेस शेप है या फिर हार्ट फेस शेप है सो डू योर कॉन्ट्रोल ऑन दिस एरिया एज वेल, क्योंकि ये जगह बाहर होती है उनकी थोड़ी सी एंड फेस रिजल्ट होता है, तो उससे आपका यहाँ पे कॉन्ट्रोल करोगे तो आपको फेस थोड़ा सा बैलेंस लगेगा. एंड ऑब्वियसली हु डजंट वांट जॉ लाइन, तो आपको इस एरिया पे करना होता है एंड अपनी डबल चिन को छुपाने के लिए करना होता है. एंड इफ यू हैव बिग नोज लाइक मी देन डू कॉन्ट्रोल ऑन योर नोज एज वेल. ऑल्सो आप अपनी आईज को कॉन्ट्रोल कर सकते हैं स्ट्रक्चर देने के लिए, अपने लिप्स को लाइक क्यूपिड्स बो एंड योर माउथ. अगर आपके छोटे लिप्स हैं तो आप अपने माउथ को भी कॉन्ट्रोल कर सकते हैं, उससे वो काफी ज्यादा बड़े दिखेंगे एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे. एंड अगर आपका स्क्वायर फेस है तो आपको अपने इस एरिया पे भी कॉन्ट्रोल करना है. जो मेन एरियाज हैं दैट इज योर चीक बोन्स, योर जॉ लाइन, योर फोरहेड, योर नोज एरिया, दिस इज द कॉमन कॉन्ट्रोल प्लेसेस. मोस्ट ऑफ द फेस स्ट्रक्चर पे यही कॉन्ट्रोल टेक्निक जाती है, बट हमें देखना पड़ता है अगर डायमंड शेप है तो हम इस एरिया को कवर करते हैं एंड चिन एरिया को नहीं करते हैं बिकॉज थोड़ा सा वो शार्प होता है. सो आई थिंक इजी स्टेप्स में मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रोल कैसे करना चाहिए, शेड कैसे चूज करना चाहिए. सो लेट्स जस्ट बिगिन विद आवर कॉन्ट्रोलिंग. सो टुडे आई एम गोना बी इंट्रोड्यूसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो, सो दिस इज द प्रोडक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द टिप्सी ब्यूटी प्रोडक्ट. सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. टिप्सी के हर एक प्रोडक्ट आपको इसी ब्यूटीफुल पैकेजिंग में मिलते हैं. काफी स्टडी बॉक्स है एंड इसमें मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ. मेरे पास काफी सारे बॉक्सेस हो गए हैं ये वाले. एंड देन यू गॉट द प्रोडक्ट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज द सिल्क कुशन कॉन्ट्रोल स्टिक एंड आई एम इन द शेड मैपल सिरप. आई होप ये मेरा शेड हो बिकॉज आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट टाइम. एंड वेन यू ओपन दिस, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. यू गॉट द ट्यूब एंड पैकेजिंग इतनी स्टडी है गाइस. लुक एट दिस, बहुत ही हार्ड कार्डबोर्ड है. आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसमें अपनी बाकी चीजें रखने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए काफी अच्छा है. कुछ भी रख के इसमें आप लेके जा सकते हैं. सो आई ऑलवेज कीप दीज बॉक्सेस बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट. दिस इज द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच कम्स आउट. आपको यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अगर इसको ओपन करते हैं ऐसे तो ये ऑन हो गया. दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. आप इसको लेके जा सकते हैं, ये लीक नहीं करेगा. And when you press it, you got the product यहाँ से. So सबसे पहले हम करेंगे अपने cheek bones पे, जहाँ जहाँ मैं करती हूँ, on this area, हल्का सा यहाँ पे, and then on my forehead. Let me just do half of my face first, and then I will do the other half on my nose, on my jawline, and one dot यहाँ, ताकि मेरी जो double chin है वो भी थोड़ी सी hide हो जाए. So this is how I used to contour my face. Now I'm taking a contour brush and मैं इसको blend कर दूँगी. And मैं ऊपर की तरफ blend करती हूँ हमेशा, मैं नीचे की तरफ नहीं करती हूँ, because that gives more structure to my face. And forehead पे भी करने time आपको इसको ऊपर की तरफ blend करना है. I'm taking a beauty blender and मैं इसको blend कर दूंगी अच्छे से. And it dries very fast, so make sure कि आप इसको जल्दी जल्दी से blend कर लें या फिर एक एक part करके इसको करें. Okay, so this is how the contour looks like. Look at this side and this side. There is a difference in both the sides. ये side थोड़ा सा chiseled and थोड़ा सा स्नैच्ड लग रहा है, वहीं यहाँ पे दूसरी साइड हमारी थोड़ी सी अप लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले जब मैंने कॉन्टर किया था तो वो थोड़ा सा लाइट था, यहाँ पे और डार्क हो गया है, थोड़ा सा और रिजल्ट इफेक्ट दे रहा है. यू गाइस कैन सी कितना अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाता है आपके फेस. लेट्स जस्ट क्विकली डू द अदर साइड. एंड यू वॉन्ट वेरी लेस अमाउंट, क्योंकि ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड है. एंड इस बार मैं कर रही हूँ सिर्फ ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड. एंड कॉन्ट्रोल करने के बाद हम करते हैं हाईलाइटिंग, बट मैं इस वीडियो में हाईलाइट नहीं कर रही हूँ बिकॉज दैट्स टोटली डिफरेंट स्टेप. सो वॉट आई एम डूइंग टू करेक्ट माई कॉन्ट्रोल इज आई एम टेकिंग अ पाउडर. दिस इज द मेबलिन ट्रांसलूसेंट पाउडर. यू कैन टेक एनी पाउडर यू वॉन्ट टू एंड यू गाइस कैन सी आई हिट द पैन. बहुत ही अच्छा पाउडर है. एंड एक फ्लफी ब्रश पे मैं इस पाउडर को लेके अपने फेस को थोड़ा सा शेप दे दूंगी. यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी जिससे आपका कॉन्ट्रोल शार्प लगेगा. So this is how the final face looks like. And let's talk a little bit about this product. क्योंकि मैंने इसको अपने पहले वीडियो में भी बोल के बताया था, सो मैं अभी भूल गई थी. Let's just repeat. This is the Tipsy Beauty Silk Cushion Contour, and it says that your ticket to achieving your bronze goddess dream. This luxurious liquid formula is a secret weapon for your snatched and sculpted look. So यही मैंने आपको बताया था कि आपको आपके face को बहुत अच्छा snatched and sculpt मिल जाता है, structure मिल जाता है.
So this is the product which you need in your vanity if you are a cream contour person. The shade was a little dark for my skin, but it worked very nice. It blended very, very nice and अब ये बहुत natural लग रहा है. And it also says that it's not just a contour, it even has skincare properties such as vitamin E and hyaluronic acid for hydration. Obviously इसमें vitamin E है and hyaluronic acid है, तो आपके face को बहुत अच्छा hydration मिलेगा. Next it says that it has aqua gel texture, not only keeps your cheeks moisturized but locks the color in place. तो ये आपके cheeks को moisturize भी करेगा आपके face को and also इस color को lock भी करेगा. That means it's long lasting and जल्दी से हटने वाला नहीं है. Okay, next point, apply once and you are set for the day. It means this product claims that it is long lasting and ये पूरा दिन कहीं भी नहीं जाने वाला. And no fading, creasing or settling into the fine lines. Okay, कोई fade नहीं होगा. काफी सारे contours ऐसे होते हैं जो कि grey पड़ जाते हैं after some time, oxidize हो जाते हैं और ज़्यादा dark लगती है skin. But it's claiming that this is not like that. And contour like a pro with the goof-proof cushion applicator. Applicator मैंने आपको दिखा दिया है, काफी beautiful cushion वाला applicator है. बहुत ही smoothly आप contour उससे apply कर सकते हैं. And also it's cruelty free and it cost for 1200 rupees. This is not at all sponsored video. मैंने ये खुद purchase किया है, मैं खुद से video बना रही हूँ. मुझे contour सिखाना था, so I thought कि मैं new product को भी use कर लेती हूँ and इसका भी mini review हो जाएगा. And also it always formulated without parabens, mineral oil, D5 talc and UV filters. मतलब इसमें कोई भी harsh chemical नहीं use किए गए हैं जो कि आपकी skin को damage करेंगे. It's more like a safe product for your skin. So this is the kind of product you guys can invest in that and I think it will last you a really long time. The contour काफी कम लगता है and it has 12 ml of the quantity, which is very, very nice. A decent amount of quantity you are getting with this product. प्रोडक्ट की बात हो गई, हमारा कॉन्टोर ऑलमोस्ट डन है. दिस इज हाउ माई फेस लुक्स आफ्टर कॉन्टोर. ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर दैट हाउ यू कैन कॉन्टोर योर फेस एंड व्हाट यू नीड इन योर फेस कॉन्टोरिंग. एंड अगर आप मेरी ये टिप्स फॉलो करके कॉन्टोर करते हैं या सीखते हैं, देन टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मैं डेफिनेटली अपनी स्टोरी पे रिपोस्ट करूंगी उसे. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप. मेरी डबल मेहनत के लिए लाइक जरूर कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट एनी वीडियो. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.